मध्य प्रदेश के इंदौर का नाम आए दिन कुछ ना कुछ कारणों से सुर्खियों में रहता है। अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है जो कि दहेज प्रथा का विरोध करते हुए एक परिवार ने पहल की है और बताया कि दहेज एक अभिशाप है और हमारे समाज में दहेज का प्रचलन है और अजब सिंह ने इस परंपरा को नकार दिया है। राजपूत समाज के लोग हो रहे दहेज विरोधी, समाज को जागरूक करने की सावेर के पंच ढेरिया से हो रही पहल, पंच ढेरिया विवाह उत्सव में दहेज नहीं लेकर मनाया। कोरोना काल में दहेज प्रथा के खिलाफ इंदौर जिले के पंचडेरिया गांव में राजपूत समाज के एक शख्स ने खुद के दो बेटों के विवाह में दहेज न लेकर एक मिसाल पेश की है, जहां अब सावेर तहसील सहित दूर दूर तक समाज के पंचडेरिया गांव के रहने वाले अजब सिंह चौहान की नहीं लेने की चर्चा हो रही है। हमारे समाज में दहेज की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसके चलते आज की 21वीं सदी में दहेज प्रताड़ना के चलते कई माता पिता की बेटियां, कई भाइयों की बहनें और कई घरों की खुशियां आंसुओं में तब्दील हो रही है। दहेज लोभियों द्वारा प्रताड़ित कर नवविवाहिताओं की हत्या तक की जा रही है। इन सब घटनाओं से प्रभावित होकर इंदौर की सावेर तहसील के पंचडेरिया में रहने वाले किसान अजब सिंह चौहान ने अपने दोनों बेटों की शादियों में दहेज नहीं लेने का प्रण लिया। करीब एक वर्ष पूर्व अजब सिंह ने बेटे राघवेंद्र सिंह की शादी गंगा जल खेड़ी की और सिर्फ एक जोड़ कपड़ों के साथ बहू को घर लाए, तो वहीं बीते दिन दूसरे बेटे आकाश सिंह का विवाह हाथोद के पास कांकरिया बोडिया गांव में तय हुआ और धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। इस बार भी अजब सिंह ने दहेज के खिलाफ जागरूकता दिखाते हुए बिना दहेज के एक जोड़ी कपड़ों में अपनी बहू गोरी को घर ले आए, जिसकी जमकर सराहना हुई। दहेज एक अभिशाप है और हमारे समाज में दहेज का प्रचलन है। दहेज विरोधी अजब सिंह का कहना है कि उनके समाज यानी कि राजपूत समाज में दहेज का लेन देन पुरानी परंपरा है, जहां कई बार दहेज के कारण विवाह रुक जाते हैं। वहीं उनका कहना है कि देश में कई बार दहेज प्रताड़ना का शिकार होकर विवाहिताओं की जान तक चली जाती है, हत्या हो जाती है। उनके मुताबिक जब उन्होंने दूसरे बेटे आकाश सिंह की शादी में भी दहेज लेने से इनकार किया तो समाज के कुछ लोगों ने उन पर दबाव भी बनाने की कोशिश की, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसे में अजब सिंह ने उन लोगों को समझाया और उनसे भी प्रार्थना की कि आप भी भविष्य में विवाह संबंध आयोजन में दहेज ना लें। विवाह आयोजन के दौरान दूल्हे आकाश सिंह चौहान ने कहा कि हमारे समाज में एक तरफ जहां लाखों करोड़ों रुपए दहेज दिया जाता है, वहीं ऐसे में मेरे पिता ने दहेज प्रथा को नकारते हुए मेरे भाई व मेरे विवाह में बिना दहेज लिए हमारा विवाह किया। मेरे पिता के इस निर्णय पर मुझे गर्व है और भविष्य में उनके इस अभियान को हम भी आगे बढ़ाएंगे और दहेज नहीं लेंगे। इस तरह विवाह समारोह में पहुंचे अन्य कई समाजजनों ने भी इस आयोजन को देखकर भविष्य में दहेज नहीं लेने की बात कही और अजब सिंह के साथ दहेज नहीं लेने की शपथ भी ली। पंचडेरिया के काकरिया बोडिगा गांव बारात पहुंची और विवाह समारोह संपन्न हुआ, जहां अजब सिंह ने अपने समधी दुल्हे सिंह सोलंकी से दहेज नहीं लिया तो दुल्हे सिंह ने भी उनके एक बेटे की इसी समारोह में शादी के दौरान लड़की वालों से दहेज लेने से इनकार कर दिया। दुल्हे सिंह सोलंकी ने कहा कि इस प्रथा को हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। कई बार हमारे समाज में दहेज को लेकर कई लोग की जमीन बिक जाती है, साहूकारों से पैसे लेकर कर्ज से लोग दब जाते हैं और ऐसे में कई घरों की बेटियां प्रताड़ित भी होती है। आज के आधुनिक युग में दहेज प्रताड़ना के खिलाफ जंग लड़ रहे और खुद के बेटों की शादियों में दहेज नहीं लेने जैसे फैसले लेने वाले अजब सिंह चौहान को कई राजपूत संगठनों द्वारा सम्मानित भी किया गया है और आज उनके ऐसे निर्णय के चलते बड़ी संख्या में उनके समाज के व अन्य समाज के लोग उनसे जुड़ने लगे हैं और दहेज नहीं लेने की शपथ के साथ ही इस कदम को एक अभियान की तरह आगे बढ़ा रहे हैं। अजब सिंह चौहान ने मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन और शासन के निवेदन किया है
कि ऐसे कानून बनना चाहिए जिसमें लड़का पैदा होते ही उसके जन्म प्रमाण पत्र में लिखवाना चाहिए कि हम दहेज नहीं लेंगे। जहां बेटियों के पैदा होते ही कई जगह उन्हें अभिशाप माना जाता है, वहीं ऐसे कानून बनने के बाद बेटियों को भी लक्ष्मी के रूप में पूर्ण रूप से हमारे देश में माना जाएगा। दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलाने वाले अजब सिंह के यह विवाह समारोह में मुख्य रूप से सोदान सिंह, मेहताब सिंह, पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह, राम सिंह, महेंद्र सिंह, शोभान सिंह, सज्जन सिंह, प्रदीप ठाकुर, देवेंद्र सिंह दरबार, लाखन सिंह और अरुण सिंह, गजराज सिंह, अंडरिया मुकेश सिंह और चावड़ा सहित कई। दहेज प्रताड़ना को लेकर आपने एक अभियान शुरू किया है जिसके तहत आपके घर में शादियां हो रही है और आप दहेज नहीं ले रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने शुरू से फैसला कर लिया था कि दोनों लड़के का मैं दहेज नहीं लूँगा। पहले भी मैंने नहीं लिया है। बड़े राघवेंद्र सिंह की शादी करी गंगा जल खेड़ी और आकाश की भी बोड़िया काकरे बारात गई थी, उसका भी मैंने फैसला कर लिया था कि दहेज नहीं लूँगा। हमारे भैया जी साहब ने पूछा था कि क्या भैया, तो मैंने बोला दहेज नहीं लूँगा मैं, एक जोड़े में लड़की आना चाहिए मेरे घर। भैया साहब को बोड़िया काकरे वाले दुर्गा सिंह जी को मैं सोलंग दुर्गा सिंह सोलंग जी को बता दिया था मैंने, हम दहेज नहीं लेंगे। आपके समाज में दहेज को लेकर एक काफ़ी पुरानी परंपरा है, बिना दहेज के कई बार विवाह रुक जाते हैं दहेज में, आपके मन में कहाँ से विचार आया ऐसा ही? मेरे मन में जो ये हत्या हो रही थी दहेज के कारण, कि को टीवी है, पेपर है, इसमें मैं रोज देखता था कि किसी की कार की मांग है, किसी की गाड़ी की है, किसी की सोने चांदी की मांग है, इसके कारण लड़की और बहुत मर रही थी। इसके कारण मैंने फैसला लिया है कि अपन को दोनों लड़के के में दहेज नहीं लेना है। ये अभियान आप तक ही रखना चाहते हैं कि आगे भी और लोगों को समझा देते हैं ऐसे कि? मैं सबको, सब समाज को, राजपूत समाज है, सभी समाज को, जितनी भी कास्ट समाज में आती है, सबसे निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि कोई भी दहेज ना। किस तरह से देखते हैं आप इस अभियान को, जैसे आपने कितने नुकसान भी हुआ होगा आपको देखा जाए? हाँ, अगर हम राजपूत समाज में देखी जाए तो करीब 15-20 लाख का एक शादी में अपना नुकसान होता है, क्यों सामने वाला करीब 15-20 लाख का दहेज देता सामान्य है। हाँ, सामान्य तौर पे। और अच्छे किसान को तो 1-1 करोड़ रुपये के करीब शादी पड़ती है इनको, लड़की वाले को। पर अपने जब ये सोच लिया था कि अपन को कुछ भी नहीं लेना है, अपने भैया समझी को सबको मैंने बोल दिया था, सगाई की टेम कि भैया सगाई में कुछ नहीं चाहिए, एक जोड़ कपड़े लड़के के चाहिए, इसमें शादी हम करें। मीडिया के माध्यम से आप प्रशासन को कुछ कहना चाहेंगे इस? हाँ, प्रशासन को भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर सख्ती करना चाहिए प्रशासन, दहेज प्रताड़ना कि भैया कोई भी दहेज ना, मतलब लिखाना चाहिए इनको, एग्रीमेंट करवाना, जब भी लड़का हो तो सरकारी हॉस्पिटल से खबर ले को किसके यहाँ लड़का हुआ। अच्छा, और ये जरूर बनाना चाहिए इनका, जैसा वो जन्म पत्र बनता है इनका, वो बनाना चाहिए गवर्नमेंट, एक तरह से शपथ दिलवानी चाहिए, शपथ के भैया दहेज नहीं लोगे तुम जब तो। हाँ, तो इस सब मामला सामान्य हो जाएगा। क्या कामकाज है आपका? कि खेती किसानी। अच्छा, हाँ, किसान हूँ, छोटा किसान हूँ। क्या नाम है आपका? अजय सिंह चौहान। कितने सालों से रह रहे हैं आप? मैं तो यहीं पैदा यहीं हुआ गाँव। कौन सा गाँव? पंचडेरिया, सावेर रोड। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से जीतू पटेल की रिपोर्ट।